बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का एरिया है, यूसी 31। सारी सड़कें एंड सिवरेज तकरीबन तबाही पे है। हमने रेजिडेंट्स के रिक्वेस्ट पर ये अपनी जो एडीपी की स्कीमें हैं उसमें प्रायोरिटी पे डाली थी। जाउद्दीन हॉस्पिटल से ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ कमर्शियल एरिया है, इधर तक ये सड़क है जिसका बहुत बुरा हाल था, जिस पे 2-3 स्कूल्स भी हैं बच्चों के और रेजिडेंट्स बहुत मुश्किल में थे। यहाँ हमने वो सड़क आज शुरू की है, इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग तक ये कंप्लीट हो जाएगी। रेजिडेंट्स जो यहाँ रहते हैं उनको एक रिलीफ मिलेगा, प्लस यहाँ स्कूल्स के जो बच्चे पेरेंट्स छोड़ने आते हैं उनको रिलीफ मिलेगा। इनकी कंप्लेन पे ये सड़क बनाई गई थी। इसमें सीवरेज के भी इश्यूज हैं, वो भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। वो सारे मैटर वाटर बोर्ड से पर्टेन करते हैं, मगर फिर भी जो हम मैक्सिमम कर सकेंगे वो हम करेंगे। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ के रेजिडेंट सब बाहर आए हैं। कुछ एरियाज सराउंडिंग में ऐसे हैं जहाँ पानी आता है, मगर इस ब्लॉक में, ब्लॉक 2 में सालों से पानी नहीं आया। मैं यहाँ बहुत कुछ करना चाहता था, पर कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा। पार्कों पर कब्जे हो गए हैं, सीवरेज और पानी का तो सवाल ही नहीं है, इतनी बुरी हालत है। एमडी को बार बार हमने रिमाइंडर दिए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। मेहरबानी इनकी, मेयर साहब की, ये हमारे इलाके में तशरीफ लाए हैं। इस सड़क का हाल बहुत ही बुरा था, इतना कि हम कह के लोगों से, दूसरों लोगों से कह के थक गए थे, लेकिन उन्होंने ज़रा भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी। पानी का प्रॉब्लम है, पानी यहाँ आता ही नहीं है। ब्लॉक 5 में, ब्लॉक 3 में पानी आता है, फुल आता है उनके पास। उनको बाहर टैंकर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे यहाँ हफ्ते में एक आध घंटा या आधा घंटा आता है, और वो भी कभी आया कभी नहीं आया। पूरे मोहल्ले की तरफ से मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।